बात, क्योंकि आज बिहार में बिहार काफी चर्चा में है राकेश। 2019 लोकसभा चुनाव में बिहार एनडीए का फॉर्मूला क्या है वो लगभग अब तय हो चुका है, यानी कि ना तो कोई बड़ा भाई होगा ना ही कोई छोटा भाई होगा। आज बिहार एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया। अब फॉर्मूला क्या है वो आप समझ लीजिए। बिहार में बीजेपी 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू को भी 17 सीटें मिली हैं। एलजेपी की दबाव की रणनीति काम आई है, एलजेपी को लोकसभा की 6 सीटें दी गई हैं और रामविलास पासवान संसद पहुंचेंगे राज्यसभा के जरिए। आज अमित शाह के घर पर बीजेपी अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान थे। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा सीटों के नाम का फैसला बाद में होगा लेकिन अभी फॉर्मूला तय है 17-17-6। ये है बिहार एनडीए की तस्वीर। और लगातार इस बात को लेकर भी हाल फिलहाल में रस्साकशी यह चल रही थी कि क्या कोई बड़ा भाई होगा गठबंधन में, कोई छोटा भाई होगा। ये भी बीच में खबरें आई कि शायद बीजेपी 18 सीटों पर लड़े, जेडीयू को शायद 16 सीटें मिले और एलजेपी के पास शायद 6 सीटें जाए। लेकिन अब ये जो तस्वीर सामने आई है, ना तो कोई बड़ा भाई होगा ना कोई छोटा भाई होगा। और मुझे लगता है पूर्णिमा कि यही इस फॉर्मूले की सबसे खास बात यह है कि कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, एक साथ ये गठबंधन चुनाव लड़ेगा। तो लोकसभा की 40 में से 40 सीटों पर जीतेगी, ये ऐलान पहले ही कर दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी ने रामविलास पासवान की प्रतिष्ठा रखी क्योंकि वो यहां से राज्यसभा जाएंगे। रामविलास पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली को धन्यवाद दिया। पासवान ने कहा एनडीए में कोई तकरार नहीं थी और अब सब मिलकर चुनाव की तैयारी करेंगे। एनडीए के बिहार यूनिट के हम तीनों घटक भारतीय जनता पार्टी, जदयू और जनशक्ति पार्टी, तीनों पार्टियों के नेताओं ने आज बैठकर नंबर ऑफ सीट के बारे में अलायंस का प्रारूप आज फाइनल किया है। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जदयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और लोक जनशक्ति पार्टी 6 लोकसभा सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। और रामविलास पासवान साहब भी एनडीए के प्रत्याशी नाते इमीडिएट जो राज्यसभा का चुनाव आएगा उसमें एनडीए के प्रत्याशी रूप में राज्यसभा में एनडीए की ओर से आएंगे। पूरे बिहार की जमीनी राजनीति हकीकत, हर सीट का राजनीतिक स्थिति और एनडीए के गठबंधन की स्ट्रेंथ को देखकर सर्वानुमत से तीनों पार्टियों ने एक फैसला लिया है। और हम लोगों को खुशी है कि आज जब बिहार में 17 बीजेपी, 17 जेडीयू और 6 लोजपा के बारे में तय हो गया है और उसके साथ साथ श्री रामविलास पासवान जी के लिए ये तय हो गया है कि एनडीए की तरफ से ये राज्यसभा में जाएंगे। इतने लंबे अवधि की जो इनकी सेवा है देश की, उसको ध्यान में रखते हुए यह भी निर्णय लिया गया है। तो 6 सीट बिहार से लड़ेंगे। यही है कि अक्टूबर महीने में ही श्री अमित शाह जी ने यहीं पर इस बात का ऐलान कर दिया था, घोषणा कर दी थी कि अभी हम लोगों की बातचीत चल रही है और बराबर बराबर सीटों पर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी और बाकी सहयोगी दलों के साथ बातचीत चल रही है, आप सब जानते हैं। तो अब वो बातचीत अंतिम तौर पर हो गई है और उसका जो निर्णय है उसके बारे में श्री अमित शाह जी ने आपको जानकारी दे दी। मैं तो सिर्फ जो इन्होंने जानकारी दी है मैं उसी का समर्थन करता हूं। अमित शाह जी को पार्टी के राष्ट्रीय भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और ये सम्मान जो हमेशा से सब लोगों की राय थी कि जो भी समझौता हो सम्मानजनक ढंग से जो है आपस में क्या कहते हैं कि बैठ करके सीट का समझौता हो जाए, ऐसे कभी कुछ ऐसा था नहीं, मामला कुछ था नहीं। लेकिन उसके बाद जो है बीच में 2-3 दिन तक ऐसा चला कि जैसे कि मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत कहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग शुरू से ही आप जानते हैं कि जो है चिराग ने एनडीए का जो आने का फैसला था, चिराग का क्या कहते हैं कि मेन रूप से भूमिका था पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से,
और उसके बाद जो है एनडीए जो है 5 साल से हम लोगों ने इस पौधा को सींचा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और अगला जो चुनाव आएगा एनडीए की फिर से सरकार बनेगी। और जहां तक क्या कहते हैं कि बिहार का सवाल है, जैसा कि नीतीश जी ने कहा कि बिहार में जितना सीट अभी तक जो मिला है उससे ज्यादा टारगेट तो रहना चाहिए 40 में 40 सीट का, है ना। लेकिन हम जितना भी जो है एक आध दो सीट हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि सभी सीट पर जो है सो हम कब्जा क्या कहते हैं कि तो जीत का दावा। सीट बंटवारे की स्थिति साफ हो चुकी है। सीनियर एडिटर राकेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राकेश, मुझे लगता है कि जो सीट का बंटवारा हुआ है, जो फॉर्मूला सामने आया है, इसकी सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी जेडीयू के बीच में बराबर बराबर सीटें, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा भाई, 17-17 सीटों पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। देखिए, अक्टूबर में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की थी, उसी समय पटकथा लिख दी गई थी। उसी समय अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया था कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी जो है बराबर बराबर सीटों पर लड़ेंगे, और उसका आपने ऐलान आज देखा कि जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने साफ तौर पे कहा कि 17-17 पर जेडीयू और बीजेपी और 6 सीट पर रामविलास पासवान। लेकिन जिस तरह से पटकथा इसकी कई दिनों से जो अटकलें चल रही थी उसको आखिरकार विराम लग गया है और रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजने का फैसला हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से पिछले जो विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसका असर साफ तौर पर एक गठबंधन पर दिख रहा है। आपसे राकेश अभी आगे भी और बातचीत करेंगे। देखिए, तेजस्वी वैसे ही जो है सवाल उठा चुके हैं, उस तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस वक्त आ रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, हाथ में हाथ मिलाए एक सुर में आजदी की तस्वीर, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव वैसे ही ट्वीट करके इसे लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं कि ये तो बीजेपी कमजोर होती दिख रही है, 22 सिटिंग एमपी आपके होने के बावजूद बीजेपी की स्थिति है कि वो सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 17 जेडीयू की दे दी गई जिसके 2 सिटिंग एमपीज हैं। इसे लेकर पहले ही तेजस्वी सवाल खड़े कर चुके हैं और अब देखना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाले हैं और कैसे निशाना साधेंगे। ये पटना से तेजस्वी यादव अब से कुछ ही देर बाद प्रेस को संबोधित करेंगे, सवाल उठेगा बिहार एनडीए पर। और जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बीजेपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, एनडीए की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तेजस्वी यादव कुछ बोलने पहले उनको सुनते हैं, स्वागत करते हैं। और आज यहाँ मौजूद आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी और वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी, हम पार्टी के संतोष मांझी जी और भी सभी महागठबंधन दलों से जितने भी नेता गण हैं उनका सब लोगों का स्वागत करते हैं। और सबसे खुशी की बात है कि आज महागठबंधन में एक और हमारे साथी जो हैं मुकेश सहनी जी, सन ऑफ मल्ला, आज हमारे महागठबंधन को ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं, इसलिए विशेष तौर पे उनका हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और स्वागत करने का काम करते हैं। और मैं मानता हूं कि इनके महागठबंधन से आने से हमारे महागठबंधन को मजबूती मिलेगी। जिस प्रकार से आप लोग जान रहे हैं कि तानाशाह का दौर है और हमने पहले भी ये बात कही थी कि ये महागठबंधन जो है ये दलों का गठबंधन नहीं बल्कि जनता के दिलों का गठबंधन है। ये सामाजिक न्याय के लिए गठबंधन है, धर्मनिरपेक्षता के लिए गठबंधन है, संविधान बचाने की ये लड़ाई है और जितने भी उपेक्षित समाज के लोग हैं सब लोग एकजुट होने का काम कर रहे हैं सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए। और लगातार आपने देखा होगा कि किस प्रकार से महागठबंधन का जो कारवा स्ट्रेंथ जो है वो दिन पर दिन जो है बढ़ने का काम कर रहा है। जिस प्रकार से देश में आघोषित इमरजेंसी का माहौल बनाया गया, जिस प्रकार से बिहार में जनादेश का अपमान किया गया, जिस प्रकार से बिहार की जनता को धोखा देने का काम किया गया, और जहां एनडीए खेमे में आप देखिएगा जिस प्रकार से जो भी लोग वहां रहे
किस प्रकार से उन लोगों को मान सम्मान नहीं दिया गया और लगातार जो है तानाशाह रवैये के तौर पे उन लोगों ने अपनाने का काम किया। आज भी जो स्थिति जो बनी हुई है, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में महागठबंधन की जीत होगी और शायद ही बीजेपी या एनडीए शायद ही वो अपना खाता खोलने में कामयाब हो। बीजेपी या एनडीए शायद ही वो अपना खाता खोलने में कामयाब हो। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि बिहार की जनता मान रही है और बिहार की जनता कह रही है। जो बीजेपी तानाशाह है आज उसको 22 से 17 पे आने का काम किया गया, ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का उनको फीडबैक है। जो 2 सीट वाले हैं उनको 17 सीट दिया जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि वहां क्या स्थिति बनी हुई है। इसलिए हम लोग सब लोग एकजुट होकर के महागठबंधन के सभी साथी देश हित में संविधान बचाने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, बिहार के हित के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए हम लोग जो है आगे काम करने का काम करेंगे। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए हमारे बीच उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, ये भी अपनी बातों को आप लोगों के समक्ष रखेंगे, तो हम अगला जो वाणी होगा उनका सुन। नेता तेजस्वी यादव जी, सदर फलाह के नाम से पहले और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही थी इसे आप समझिए। मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हुए हैं और पूर्णिमा मुकेश सहनी बॉलीवुड में फिल्मों के सेट डिजाइनर हैं। पहले ये खबरें थी कि भाजपा में शायद वो शामिल हो सकते हैं, भाजपा में शायद जाएंगे, सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, और 14% जो आबादी मल्लाहों की है बिहार में उन पर जो है वो उनका नेता होने का दावा करते हैं और एक पार्टी उन्होंने बनाई है, वीआईपी नाम है उस पार्टी का। तो सेट डिजाइन अब यहां करेंगे, यानी कि आप ये कह रहे हैं।